इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आजकल लोग बिजली का इतना इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जरूरत ना होने के बावजूद भी उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, एक दिन अचानक बिजली हो जाएगी खत्म, तो क्या होगा? तो क्या हम अपने सारे काम आसानी से कर पाएंगे? आइए देखते। हे भगवान, मेरा वजन इतना बढ़ गया, क्या सीढ़ी से भी नहीं चला, और लिफ्ट को भी आज ही खराब हुआ था क्या? यार बैठ जा, बहुत थक चुकी हूँ मैं तो। रामू काका। जी मालकी। एक काम कीजिए, टीवी चालू कर दीजिए। जी मालकी। सेंटर में आ जा। हाँ, गर्मी भी बहुत लग रहा है, लाइट पंखा एसी भी चालू। सेंटर में आना। जी मालकी। दिन भर टिक 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 करती रहती है, शांति से बैठ के मुझे टीवी भी देखने नहीं देती। हाँ माँ जी। बेटा, मेरी कमर में आज बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा ये बिजली से चलने वाली आराम कुर्सी चालू करवा दो। हाँ माँ जी। रामू काका। जी माँ जी। देखिए उस बुढ़िया को क्या चाहिए, जाके उसके कमरे में दे दीजिए। तो माजी माँ, आपको क्या हुआ, आपको क्या चाहिए? बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा ये बिल्ली से चलने वाली आराम कुर्सी चालू कर दो। दादी माँ। थोड़ा सेंटर में ले आ जाइए दादी। जी दादी माँ। बेटा, थोड़ा इस रूम की टीवी चालू करके भजन लगा दो। हो गया। बेटा, थोड़ा पंखा चालू कर दो। हेलो नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है नन्हे? मम्मी, मैं स्कूल से आ गया। हाँ ठीक है। माइक किसको? माइक। ये क्या तुम बार बार ये सीरियल देखती रहती हो? आप दोनों ये सीरियल देखती रहती हो क्या? ला मुझे रिमोट दो, मैं देखो। चल हट जा अपने कमरे में, मैं सीरियल देखने रही। आज बहू सास को मारने वाली है। हाँ तो वही देखते रहो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे भाई, खाना खा ले। माइक इसको दे। माइक माइक ठीक है, उसको दे, इसको दे। चलो मैं लैपटॉप में कुछ देख लेता हूँ। इसे नहीं। अरे उसे। रामू काका। जी मालकी। एक काम कीजिए, मैक्रो में पिज्जा गरम करके बाबू को दे दो खाने के लिए। जी मालकी। ये लैपटॉप अभी कुछ अच्छा नहीं आता है, मैं क्या करूं? रामू काका, ये क्या है? अरे वाह, पिज्जा। ये आज तो मैं अपनी दोस्त से बुला के पार्टी करूंगा। एक काम करना, पंखा चालू कर देना और एसी भी चालू कर देना। एकदम खड़े हो जाए, सुबह इसको कंटिन्यू कर, इसको कंटिन्यू कर। हेलो भाई, घर पे क्या कर रहे हो तू? आजा हम लोग पिज्जा पार्टी करेंगे, और साथ में निखिल को भी लेकर जाना। पिज्जा बच गया। अरे वाह, अरे वाह, आ गए तुम लोग। हाँ भाई, रूम तो तेरा बहुत कूल है। ओ बस, मेरे बाप की मेहरबानी है। आज जो करना है कर लो, देख मेरे घर पे होम थिएटर भी है। हम लोग डांस करें क्या? तो क्या किया, तो करते हैं। हेलो पापा के कमरे में जाके देखते हैं। हे भगवान,
छोटे बाबू के कमरे में तो पंखा, एसी, होम थिएटर और लैपटॉप सब कुछ चालू है। क्या पता इस घर का क्या होगा। बड़ी मालती इस कमरे में जाके देखते हैं। हाय राम, बड़ी मालकिन के कमरे में तो टीवी, पंखा, एसी और लाइट सब कुछ चालू है। क्या पता दादी माँ क्या कर रही होंगी। लो दादी माँ तो सो गई और भजन वैसे ही चालू है, पंखा भी चालू है। यहाँ पर जो पैसा हो रहा है इसके लिए तो हमारे गांव में थे, गांव में 24 घंटे बिजली नहीं होती और उसकी बल्कि 2 घंटे बिजली होती है। एक दिन जब बिजली खत्म हो जाएगी तभी लोगों को पता चलेगा। हाय राम। अरे तुम लोग का नाश्ते रखो ऐसा। मैं हूँ बिजली, वही बिजली जिसके आज आप सब आदि बन चुके हो। आज आप सब मेरी आदत पड़ गई है। आप सबको टीवी ऑन करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए, एसी ऑन करने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप सबकी मदद करती हूँ, आप सबके काम आती हूँ। वह कार्य जिसे पूरा होने में काफ़ी समय लगता है उसे भी मैं मिनटों में पूरा कर देती हूँ, किंतु मुझे कहीं ना कहीं ठीक होता है, बुरा भी लगता है। जहाँ मेरी ज़रूरत ही नहीं होती वहाँ भी आप मुझे यूं ही खुला छोड़ देते हो। हम ही नहीं वहाँ मुझे यदि कहे तो मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊँगी, मैं आप सब से बहुत दूर चली जाऊँगी, मेरा अंत हो जाएगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे। तो देखा आपने एनर्जी कंजर्वेशन यानी बिजली बचाना कितना ज़रूरी है। आज के ज़माने में हमारा सबसे ज़्यादा काम बिजली से होता है और बिजली ना हो तो हमारा कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाता। हमारे देश और धरती ने इतनी तरक्की कर ली है जिसमें से सबसे आगे है इंटरनेट। हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंटरनेट का ही करते हैं और अगर इंटरनेट ना हो तो पता नहीं हमारा क्या हो। बिजली ना हो तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा और इंटरनेट को चलने के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली भी ना हो तो इंटरनेट भी नहीं चल सकता। हम बिजली का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बिजली बनाने में जो जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है उससे कार्बन गैस निकलता है। उस कार्बन गैस से हमारे वातावरण का तापमान बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ सालों पहले उतनी गर्मी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी होती है। अचानक बाढ़ भी नहीं आती थी, अब अचानक बाढ़ भी आ जाती है। तो अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दूर होना है तो हमें बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना पड़ेगा। सो वी हैव टू सेव एनर्जी और सेव एनर्जी। आप सबको लग रहा होगा कि एक परिवार इतनी बिजली खर्च करता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे देश में ऐसे करोड़ों परिवार हैं जो बिजली का दुरुपयोग करते हैं। सोचिए अगर एक परिवार भी थोड़ी थोड़ी बिजली बचाएगा तो करोड़ों परिवार कितनी बिजली बचा सकते हैं। इसके लिए ऊर्जा संरक्षण करना कितना आवश्यक है। धन्यवाद। आइए हम सब खड़े होकर शपथ लेते हैं। सब खड़े हो जाओ। हेलो, हमारे घर स्कूल में बचत करने वाले उपकरणों का उपयोग करेंगे जरूरत ना होने पर बिजली के और उपकरण बंद रखेंगे। एसी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और हम सौर ऊर्जा से आधारित उपकरणों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बिजली बचाओ, देश बचाओ।